हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ना पवन सिंह लेक्चरर में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 8.2। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित के मान निकालिए। आपको गिवन है साइन 60 और कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। ये जो आप लोग क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो आपका बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 2 मार्क्स का बनता है कभी कभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो आपको गिवन है उसे उतार लेते हैं यहाँ पे सेम बिल्कुल साइन 60 और कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। इन सभी के जो हमारे पास में एक टेबल होती है उसमें से आपको मान याद करने होते हैं। टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, इसमें से आप मान रख लेते हैं। फर्स्ट साइन 60, साइन 60 का जो मान होता होता अंडर रूट 3/2। फिर आता है कोस 30, कोस 30 का मान होता अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का मान होता 1/2। और फिर होता कोस कोस 60, कोस 60 का मान होता 1/2। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 × 4 इनकी गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ पे हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 × 4। यदि आपके पास में कहीं पे लिखा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो हम 3 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 3, क्योंकि 3 × 3 = 9 और 9 में से कितना बाहर निकल का आएगा? 3। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे हम कितना रख देते हैं? 3/4 प्लस 1/4। यहाँ पे आप लोगों का 4 कॉमन है, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में भिन्न पढ़ी होगी। यदि आपने भिन्न पढ़ी हो, जैसे भिन्न होती है 1/2 प्लस 1/2, तो 2 कॉमन हम 2 लिख लेते हैं, 1 और 1 2। तो सब भिन्न को सोल्व करते हमें 1 प्राप्त होता। तो ऐसे ही ये भिन्न हमारी 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी। हमने क्या करा, यहाँ से 4 कॉमन लिया और जो ऊपर के जुड़ते हो तो जोड़ दो और घटते हो तो घटा दो, इससे हमें कोई नहीं लेने देना है। 3 और 1 4/4, 4 से 4 को मार गया, 4 एकम 4, ये है हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर जो पहले का दूसरा खंड है उसकी ओर बढ़ते हैं। पहले का दूसरा खंड हमें गिवन है 2 tan² 45, यहाँ पे cos स्क्वायर 30 और यहाँ पे है -sin² 60। इसमें हम क्या करते हैं, इनके मान पुट कर लेते हैं। 2 tan 45 का मान कितना होता है? 1 और यहाँ पे स्क्वायर हो रखा हमने, स्क्वायर कर दिया। फिर आता है cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और इसका स्क्वायर हो रखा तो यहाँ पे वर्क हो जाना चाहिए माइनस का। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और इसका भी वर्क। अब हम क्या करते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का बिल्कुल सेम है, तो यहाँ आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 2 और 1 का वर्ग, यदि मैं 1 का वर्ग करता हूँ 1, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होता है 2 आंसर। इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का खंड नंबर 3 दे रखा है। खंड नंबर 3 को हम सेम एज इट इज बिल्कुल उतार लेते हैं, जैसा हमें गिवन है, जो गिवन है उसे एज इट इज उतार लेते हैं। हमें गिवन है कोस 45, फिर आता है sec 30 और cosec 30। हम क्या करते हैं, हमारे पास वो मान होते हैं, हम मान पुट कर लेते हैं। cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। फिर आता है sec 30 का जो मान होता 2/√3 और इसी प्रकार से होता है हमारे पास में cosec 30 का मान आता हमारे पास में cosec 30 का मान होता 2। तो ये मान हम इसमें आप पुट करते हैं, cos 45 का मान 1/√2, यहाँ पे cos 30 का मान है 2/√3 प्लस फिर cosec 30 का मान है 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कभी करते हैं ना, तो इसे सेम एज इट इज रखते हैं,
ये जो ऊपर की संख्या इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कोरोस, तो एक बटे अंडर रूट दो, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी गुणा यहाँ करेंगे। जब हम दो की गुणा यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दो एकम दो। अब इसकी गुणा यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा दो गुणा अंडर रूट तीन। अब हम क्या करते हैं, जो आप लोगों का अंडर रूट से बाहर होता है उसे आगे रखते हैं, जो अंडर रूट में होता है उसे पीछे रखते हैं। तो इनकी जो गुणा आ जाएगी दो अंडर रूट तीन आ जाएगी। तो इनकी जब गुणा करते हैं ये हो जाएगा दो अंडर रूट तीन, दो अंडर रूट तीन, और फिर इसकी गुणा, क्योंकि हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वैसे गुणा होती है और फिर ऐसे होती है। तो यहाँ पे गुणा होगी हमारी, ये होगी दो एकम दो, फिर हमारी ऐसे गुणा है दो अंडर रूट तीन, फिर हमारी गुणा होगी ऐसा सीधे वाली बिल्कुल। तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट तीन एकम तीन। इस हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है कंडीशन है, यदि हमें गुणा में रखनी हो तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या इसका उल्टा कर देते हैं टांग पकड़ कर, ठीक है ना। एक बात पूर्ण है, जो हमारी नीचे वाली संख्या इसकी टांग पकड़ करके ना उल्टा कर देते हैं। देखो कैसा, पहले जो वाली संख्या जो एक बटे अंडर रूट दो है जो कि, तो ये हमें गुणा में रखनी है, तो गुणा में रखने के लिए इसे उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो तीन है ये नीचे है इसे आप लोग ऊपर ले आओ, और जो हमारा दो प्लस अंडर रूट दो इसे नीचे ले आओ, दो प्लस अंडर रूट दो इसे हम यहाँ पे नीचे ले आए। अब क्या होता है, इसकी गुणा यहाँ पे कर देते हैं हम, हमने गुणा की इसकी, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर की साइड अंडर रूट तीन, फिर यहाँ पे फिर इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट दो गुणा दो प्लस दो अंडर रूट तीन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो यहाँ भी है दो यहाँ भी है, हम यहाँ पे से दो कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट तीन और ये हो जाएगा अंडर रूट दो, और यहाँ से हम क्या करते हैं दो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा अंदर बचता है, यहाँ से जब दो उठाऊंगा यहाँ बचेगा एक और यहाँ बचेगा हमारा तीन। इसे हम एक बार सिक्वेंस में रख लेते हैं, अंडर रूट तीन ये हम दो स्टार्टिंग में रख लेते हैं, ये हमारा बचता है अंडर रूट दो, और इसे लिख लेते हैं तीन प्लस एक, फिर ये हमारा जो का तो ये दो जो का तो इसके अंदर गुणा कर देते हैं, हो जाएगा हमारा दो ही कम दो और दो तिया छः, यहाँ पे हो जाएगा हमारा दो तिया छः, फिर इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे दो ही कम दो। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यही प्राप्त हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप आंसर को कहीं भी छोड़ सकते हो, यदि आप कभी भी किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और इसके बाद भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यदि आपको इससे ज़्यादा हल करना आ तो आप इसका हल्का परिमेयकरण कर सकते हो। इस आगे आप लोग जैसे अंडर रूट तीन और ये हमारा दो और अंडर रूट छः प्लस अंडर रूट दो, तो इसका यदि आप अगर करना चाहो तो आप लोग इसका हरिका परिमेयकरण कर सकते हो। ये हरिका परिमेयकरण अंडर रूट छः माइनस अंडर रूट दो, अंडर रूट छः माइनस अंडर रूट दो, तो आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ये आपको लगभग दो नंबर का देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे तीनों क्वेश्चन क्या करते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।